पे वीडियो बना है, कर हट हट फोन ला, बिना पूछ के वीडियो बना रहा है तू। है मेरी मर्जी नहीं, पूछा तुमने वीडियो बनाने के लिए है? बुल्की मारने से क्या काम चलेगा? पूछा तुम लोगों ने वीडियो बनाने के लिए पूछा? चले जाए, कहां से आए? इधर आओ, राजस्थान से। खड़ो पहले तुम, सामने बताओ। राजस्थान से। कहां से आओ? राजस्थान से। क्यों? मिलने के लिए आए। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। विनोद कुमार नाम है। क्या हुआ, क्यों मिलने आए थे मेरे से? क्यों आए थे आप मिलने से मुझसे? मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ गुरुजी, इसलिए मिलने के लिए आया था आपसे। अच्छा, क्या चैनल है तुम्हारा? RJ02Rider। ये चैनल है इनका, काम क्या करते हैं आप? ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। RJ02Rider तो रो कह रहे हो। फोन तोड़ दिया। कहाँ तोड़ दिया फोन? दिखाओ। ये लो भैया, फोन टूट गया इनका। ये लो, हालत खराब हो गई फोन की पूरी। जाओ फिर, तोड़ दिया। पूछा था मुझसे वीडियो बनाने से पहले, बताइए। नहीं तो जबरदस्ती वीडियो क्यों बना रहे थे तुम मेरा, बताओ? क्यों बना रहे थे वीडियो बिना पीछे? गुरुजी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वीडियो तो बनाते हैं। तो इतने दूर से चले क्यों आए मेरे पास आप? मिलने के लिए आए थे आपसे। मुझे नहीं मिलना था तुमसे भाई। तो गुरुजी नहीं मिलना था तो मेरे फोन क्यों तोड़ दिया आप? तो मेरा मन, मैंने तोड़ दिया तो फोन तो नहीं तोड़ना। जबरदस्ती वीडियो बनाओगे, तोड़ूंगा ही मैं फोन। जाओ, जो जिससे कहना जो कर लो, जाओ। समझ रहे हैं कुछ? ये फोन तोड़ा क्यों गया है उसकी वजह, इधर आइए, पास में आइए। ये भैया है विनोद जी। कहाँ से आए हैं? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान से ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं, 40,000 किलोमीटर चल रहे हैं। सेव एनवायरमेंट, सेव ट्री, सेव लाइफ। सेव लाइफ, ये देश को मतलब एक ऐसी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं समाज के अंदर कि सेव ट्री सेव लाइफ और इन्वायरमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार जैसे आज ये विनोद जी हैं, एक भाई और हैं हमारे, वो जाते हैं राजस्थान के। आप भी राजस्थान से हैं? हाँ। तो ये भी राजस्थान से और वो भी भाई शायद राजस्थान से या कहीं से भी हूं, वो जाते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के स्टूडियो, लाइक यूट्यूब वाले बाबा के यहाँ पर आ गए स्कूल में, ये आ गए मुंह उठा के। वैसे वो भी चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता चलता है कि भैया यहाँ एक यूट्यूबर रहते हैं और वो वीडियो उनको देखते हैं, फैन है, तो वो चले जाते हैं उनसे मिलने। तब क्या होता है उनके साथ पता है? चलिए एक बार ये वीडियो देख लीजिए पहले, फिर बताइएगा क्या होता है। तो मेरे को किसी ने कहा कि इधर बडलिया गांव है कोई पास में, वहाँ पे वो मिस्टर इंडिया भैया रहते हैं, उनसे मिल लेना। तो मैं तो तब आया था यहाँ पे, मैंने कुछ किया ही नहीं अंकल जी। वो बाहर से आया, मारपीट की धमकी देने लग गया, मेरा फोन खोज लिया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं तो खाली बैठा था वहाँ पे और मैं तो जानता भी नहीं था। मेरे को किसी ने कहा कि आप मिल जाना, तो मैं मेरा फोन भी तोड़ दिया। मेरे पूरे देश में चल रहा हूँ साइकिल से, बेबेश नाम है मेरा। ये देखो इधर, मैं तो कुछ किया भी नहीं था, ऐसे खाली वहां बैठा था गेट पे, मेरा फोन, ये देखो स्क्रीन टूट रही है इधर से। वो भैया थे वहां पे कोई, लड़ने लग गए, मारपीट की धमकी देने लग गए मेरे को। ये देखो स्क्रीन आपको दिख रही है, टूट गई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं अंकल। मैं तो आता भी नहीं अंकल, मेरे को तो रास्ते में रो रहा है बेचारा। आए देखा वीडियो क्या हुआ? मिस्टर इंडियन हैकर के स्टूडियो के सामने जब वो बंदा जाता है तो उसका उसके टीम के बंदों ने ही धमकी देते हैं मारने की, उसके बाद फोन तोड़ देते हैं और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। वो गरीब इंसान है, उसके पास फोन नहीं, जैसे इस भाई का फोन यूट्यूब वाले बाबा ने तोड़ा है ना। हाँ भाई तोड़ दिया ना फोन, इधर देखो कितने सारे लोग हैं, ये देखो इधर देखो, सबका फोन तोड़ेंगे, लाइए सब फोन तोड़ेंगे, सबका तोड़ है। 5 लाख का कैमरा, 5 लाख का कैमरा भी तोड़ देंगे। लाओ तुम्हारा भी फोन तोड़ देंगे अभी, लाओ तुम्हारा, सबका तोड़ देंगे फोन, सबका तोड़ दे फोन। बताइए क्या ये सही चीज है? अगर ये लोग मुझसे मिलने आ जाए तो क्या ये सही चीज है कि मैं इनका फोन तोड़ दूं? भले ना मिलूं मैं, बेशक ना मिलूं, नहीं मिलना है, तो क्या किसी के अधिकार इतना है उसके टीम के बंदों का
कि वो उसका फोन तोड़ दे उस गरीब इंसान का, और ये काम मिस्टर इंडियन हैकर की टीम द्वारा किया गया। उस गरीब इंसान का फोन तोड़ा गया, वैसे तो ये डमी फोन था वैसे तो ये डमी फोन तोड़ा गया, इसमें कुछ नहीं, ये सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग वीडियो थी दिखाने के लिए आपको कि किस तरीके से इस बंदे के साथ ऐसा हुआ। और उसने रील्स डाला है, रील्स बहुत तेजी से चल रही है, और फिर भी उसके फोन की जो स्क्रीन टूट चुकी है, तो क्या ये जायज है? आपसे मैडम पूछना चाहेंगे, आप बताइए। चलते रखे रहिए, आप बताइए क्या ये जायज है किसी का फोन तोड़ना? नहीं सर। मान लीजिए आप मेरे पास आए और मैं आपसे ना मिलूं, तो और ना भी मिलूं और आपका फोन भी तोड़वा दूं, तो तोड़वा दें इसको आप? नहीं सर, आपसे मिलने आई इतने दूर से, सर आप कैसे फोन तोड़ सकते हैं? तो बताइए आप कुछ उम्मीद से आए होंगी, और अगर हम आपका फोन तोड़ दें, मान लीजिए आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, तब क्या करेंगे आप? है ना, आप बताइए क्या फोन तोड़ना सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बताइए, सभी लोग, क्या किसी का फोन तोड़ना सही है? क्या सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे पास आए और मैं आपका फोन तोड़ूं, तो क्या ये सही काम कर रहा हूं मैं? नहीं नहीं। या मैं ना तोड़ू, या फिर मेरे टीम के बंदे कोई तोड़े? पीछे हो जाइए, इधर आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, इधर पीछे आइए, सभी लोग आ जाइए, सभी को आज देते हैं अपने कैमरे में, आइए। ये इतने सारे, अभी तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा लोग जा चुके हैं, समझ रहे? तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या किसी का फोन तोड़ना जायज है? नहीं सर। हाँ भाई? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। खाना पीना खाया करो तुम? खाते हैं सर। खाते हो जी? चैनल है क्या तुम्हारा? जी सर। क्या चैनल? उपेश सैनी, उपेश ब्लॉग 90। उपेश ब्लॉग 90। अच्छा, आप भैया क्या किसी का? नहीं नहीं, किसी को हक नहीं है किसी को मोबाइल तोड़ने या फोन तोड़ने का, लेकिन आप मना कर सकते हैं, मना कर दीजिए, मिलिए ना मिलिए वो आपकी मर्जी। हाँ। लेकिन फोन किसी का नहीं तोड़ना है। लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के टीम के बंदों ने फोन तोड़ा है आपके किसी एक फैमिली मेंबर का। भाई आप भी एक यूट्यूबर हैं, भले छोटे या बड़े हो कोई मैटर नहीं, आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों को क्या कहना है? रिलाई होनी चाहिए, कार्रवाई रिलाई होनी चाहिए, समझ रहे? जोरदार रिलाई होने चाहिए, है कि नहीं? ऑन कैमरा ये इंसान दिलराज सिंह है, बहुत भोला बनता है ऑन कैमरे में, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो यूट्यूब वाले बाबा ने बताई है, मैं एकदम रियल, मैं भी एक बार गया था उनसे मिलने, जी सर, समझ नहीं, समझ, दो दिन रुका था, मेरे को बेवकूफ बनाया गया था, मैं हूँ ही नहीं। एक बार सर वो वही था, एक बार आपके चैनल पे स्ट्राइक भी दे दी थी उन्होंने। हाँ, वो स्ट्राइक देने की कोशिश की थी, एक बार नहीं 10 बार, लेकिन मुंह में 2 बार नहीं 10 बार यूट्यूब ने लात मारा था, नहीं डिलीट किया वीडियो, वो भी वीडियो, समझ? क्या फोन तोड़ना सही है? नहीं सर, ऐसा नहीं चाहिए। बेटा क्या फोन तोड़ना सही है? नहीं नहीं ना। बेटिया क्या फोन तोड़ना सही है? नहीं नहीं। हाँ नहीं, देखो बिटिया भी बोल रही भाई साहब। तो आप लोग कहाँ से आए भैया? सर हम लोग जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए, क्या चैनल आपका? सर वाटसन कॉमेडी है, वाटसन कॉमेडी है। अच्छा, तो क्या फोन तोड़ना जायज है? नहीं सर। तो विनोद जी, जो आपका फोन तोड़ा यूट्यूब वाले बाबा ने, क्या जायज था? नहीं था, नाजायज था ना। यहाँ औलाद की बात नहीं हो रही है, यहाँ फोन की बात हो रही है, ठीक है? तो भैया देखिए, आप किसी से मत मिलिए, मत फोटो खिंचाइए, लेकिन इतनी औकात या फिर इतनी हिम्मत या फिर इतना, आपको कोई हक नहीं देता है कि आप गरीब यूट्यूबर, ये क्रिएटर ही हैं, वो आपके फैन है, आपके वीडियो देखते हैं, आप लाखों नहीं करोड़ों महीना छाप रहे हो, तुम साला अगर उसको उसके साथ फोटो नहीं खिंचाना चाहते हो, नहीं मिलना चाहते हो, नहीं वीडियो बनाना चाहते हो, तो तुम उसका कोई हक नहीं है कि फोन तोड़ दो, उसका हक तुमको कोई नहीं देता है, याद रखिएगा। और ये वीडियो इसी वजह से बना रहा था मैं कि एक बार लोगों के सामने फिर मैं सच्चाई रखूं कि एक यूट्यूबर के साथ, हमारे किसी बंदे के साथ, ये भी यूट्यूबर है, भले साइकिल से ट्रेवल कर रहा है, वो भी झंडा तिरंगा लगा के गया था, ऐसे झंडा तिरंगा लगा था, ऐसे सारी चीजें लगी थी, वो भी साइकिल से ट्रेवल कर रहा था और उस बंदे के साथ मिलने गया था, और उसके साथ ऐसी चीजें होती हैं साइकिल से राइड। आप क्या करते हैं भैया? ब्लॉगिंग करता हूँ, साइकिल से राइड करने से। साइकिल से राइड करके ब्लॉगिंग करते हैं, चैनल है RJ 02 राइडर। 02 राइडर। तो भैया ये भी बहुत दूर से आए हुए हैं, अगर हम इनसे नहीं मिला, ये 5 दिन से बाबा का इंतजार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम इसको मिले, कल हमारे साथ ही रात में रहे रूम पे। हाँ, रहे नहीं रहे। हाँ, खाना मिला कि अकेले भूखे सुला दिए? नहीं, खाना भी मिला, नाश्ता भी हुआ, चाय भी मिला, सब कुछ मिला, खुद बना के खिलवाया गया। हाँ, इनसे बर्तन तक नहीं धुलवाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, नहीं, वरना बर्तन तो धुलवा ही देते हैं, हम अपने खुद ना धुल पाते हैं, समझ रहे हैं? तो भैया क्या है, किसी का फोन तोड़ना जायज है? नहीं।
तो गलत किया कि नहीं किया? गलत गलत नहीं, माँ गलत किया है, माँ गलत किया। ये भी तेरे राजस्थान का है, ये भी मिस्टर इंडियन हैकर, सुन रहा है तो सुन ले दिलराज, ये भी तेरे ही राजस्थान का बंदा है। इतनी दूर से आया है मेरे पास, अगर मैं चाहता तो इसका भी फोन तोड़ देता। समझ में आया ना भैया? आज ऊंचाइयों पे हो अच्छी बात है, जनता ने पहुंचाया है बहुत अच्छी बात है, आप कमाइए, लेकिन किसी के पेट में लात मारने का काम बिल्कुल मत करिए, वो आपका अधिकार नहीं है, ना था ना रहेगा, वरना जैसे चढ़े हो बहुत जल्दी नीचे उतर जाओगे, ये यूट्यूब वाले बाबा कहना है। समझ रहे हैं? हम भी तुम्हारे पास आए थे, हल्के में ले लिए थे, आज देख लो कितनी पब्लिक है हमारे साथ। तुम मिलते हो गए बड़े बड़े क्रिएटरों से, लेकिन हमें मिलना पसंद है ऐसे छोटे क्रिएटर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो बनना चाहते हैं। हम यूट्यूबर बनाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम कमाते हैं तो कमाना सिखाते भी हैं। अगर आप कमाना सिखा नहीं सकते हो तो किसी का फोन भी नहीं तोड़ सकते हो, नहीं मिलना है मत मिलो। एक कैमरे तो बड़ा प्यार दिखाते हैं, अरे मेरी फैमिली टाइटेनियन आर्मी, घंटा टाइटेनियन आर्मी ये टाइटेनियन आर्मी के नाम पे आपको बेवकूफ बनाते हैं, सारा स्क्रिप्टिंग कंटेंट होता है, सारा ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्टिंग कंटेंट, बिल्कुल बेकार कंटेंट होता है, कोई फायदा नहीं होता पब्लिक का। बताइए भैया, चार पहिया को गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, नहीं चार पहिया को, उससे आपका क्या फायदा है? मैडम वो तो पैसे की बर्बादी है ना, पैसे की बर्बादी। कंटेंट के लिए देखिए, उससे आपको क्या सीखने को मिला? कि आप भी एक नई चार पहिया लेके गाड़ दीजिए और बर्बाद कर दीजिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? तो भैया ये इनका चैनल है, इन भैया के चैनल को सपोर्ट करिएगा, और जितने भी लोग आए हुए हैं हम दुआ करते हैं, इनकी भी प्रॉब्लम को देखते हैं। अभी हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, आपके लोगों के सामने इस दिलराज की काली सच्चाई को सामने लाना, और इसके टीम के बंदों ने कैसे कैसे काम किया। ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं, वरना तो ऐसे कड़वे शब्द बोलता तो शायद इसको शर्म आ जाती, लेकिन बोल नहीं सकता मैं। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एक बार भाई के लिए ताली बजा दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये 40,000 किलोमीटर का इन्होंने सफर जो ये तय किया है। अभी कितना किलोमीटर चल चुके हैं आप? 4,500 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर साइकिल चल चुके हैं, गियर वाली साइकिल है। इस पे देखिए ये यूट्यूब वाले बाबा गाना भी बजा रहे थे, सॉन्ग म्यूजिक लगा सिस्टम, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, यहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था भी है, ये देखिए सब कुछ सारी व्यवस्था है। समझ रहे हैं? सोने की झंडा की सब कुछ व्यवस्था भैया। तो बिगड़ने पर बना भी लेते, अच्छा बना भी लेते साइकिल बिगड़ने पर, जहाँ मन चाहे वहां सो भी जाते हैं। तो भैया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और तुम गधे के जैसे मेहनत कम करो, समझ रहे हो? थोड़ा सा स्मार्ट बनो, जो तुमको समझाया था रूम पे, समझ गए? तो भैया के चैनल को सपोर्ट करिएगा, और आप लोग सच्चाई देख चुके हैं, अब आप लोग क्या करना है वो आप लोग जानेंगे, ठीक है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।